नहीं, जब चांद अलग पहुंच जाएगी और कहा जाएगा कौन है बचाने वाला, और वो समझ जाएगा कि उसकी जुदाई का लम्हा आ गया है। और पिंडली से पिंडली लपेट जाएगी तो वो आपके रब की तरफ चलने का दिन होगा। मौत की गशी एक हकीकत बनकर आ गई। ये वही चीज है जिससे तू भागता था। निकालो अपनी जान, कि आज तुम्हें जिल्लत आमेज अजाब दिया जाएगा, क्योंकि तुम अल्लाह पर नाहक बातों की तोहमत लगाया करते थे और अल्लाह की निशानियों के मुकाबले में सरकशी किया करते थे। हसन, हसन, हसन उठो, नमाज पढ़ो। नमाज के वक्त भी सोता है, उठो। हे हसन, अबू, उठो। अबू, अबू, हसन, 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 उठो नमाज पढ़ो, हसन। हसन उठो, हसन, 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 मेरे बेटे, हसन मेरे बेटे। Oh,
हसन मेरे बेटे, मेरे बेटे हसन। बाबा 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 मैं यहाँ हूँ, बाबा मैं यहाँ हूँ। वही उसका साथी हो जाता है। मैं हूं जिसकी तुमने सानू इनात की। तुझे याद है वो वक्त जब तुम पाले हुआ? मैं उसी वक्त से तेरा साथी हूं। मैं हर जगह तेरे साथ साथ था। तूने मेरी इनात करके मुझे कामयाब कर दिया, यहां तक कि मैंने तेरी अकल और रूह पर कंट्रोल हासिल कर लिया। फिर तू मुकम्मल मेरे ताबे हो गया। मैंने ही तुझे गुमराह दोस्तों से आशना किया। मैं तेरा ही साथी हूँ जिसने तुझको खुदा की मासिया खुश मजा करके चखाया, और मैंने ही गानों की आवाज से तेरे कानों में रस घोला। बेचारा, मैंने इतने अरसे तुझे बहकाया, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना था? क्या तू सोचता था कि तू आजाद है और हर काम अपने इरादे से करता है? नहीं नहीं, बल्कि ये तेरा नफ्स मारा था जो मासियत को पसंद करता था। तू आशुष था मगर फिर भी मेरी पैरवी करता रहा। अब तो मर गया है, हर आलम में बरज़ख होने आ गया है। यहाँ तेरी आंखों से पर्दे हट गए हैं और तेरे कान और आंखें हो और सारी आवाज बहुत तेज हो गई है, इसलिए तू मुझको देख सकता है। अगर तू अब क्या कर सकता है? और मैं तो सिर्फ तेरे आमाल की हकीकत हूँ। तू मुझसे कहाँ भागेगा? मुझसे नहीं भाग सकता। فكشفنا عنك غطاءك